कलयुग के अंत का चित्र कैसा होगा? 7 दिन 7 रात अंधकारमय हो जाएगा पृथ्वी, ना सूर्य दिखेगा ना चंद्र, तापमान सामान्य से बहुत नीचे गिर जाएगा, भूखे प्यासे मनुष्य एक दूसरे पर आक्रमण कर देंगे, तो वहीं जंगली जानवर मनुष्यों पर आक्रमण कर देंगे, टूटकर गिर जाएंगे सभी सैटेलाइट्स, बंद हो जाएंगे सभी प्रकार के दूर संचार यंत्र, बंद हो जाएगा इंटरनेट, अचल हो जाएंगे सभी बिजली से चलने वाले यंत्र। मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि मैं आपको 600 वर्ष पूर्व लिखित भविष्य मालिका की वाणी बता रहा हूं, जो आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मनुष्य विज्ञान को नहीं, बल्कि विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रण कर रहे हैं। आज आध्यात्मिक बातों पर, शास्त्र पुराणों की बातों पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, विज्ञान पर ज्यादा। परंतु सत्य तो यह है कि विज्ञान का नींव तो हमारे वेदों ने ही रखा था। आप किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से प्रश्न पूछिए कि टेलीफोन का आविष्कार कौन से साल में हुआ था, बिजली का आविष्कार कौन से साल में हुआ था, उत्तर आपको अवश्य मिल जाएगा। पर आप किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछिए कि वेद कब लिखे गए थे, उत्तर तो छोड़िए, अपना सिर खुजाते रह जाएंगे। चाहे विमान हो, मेडिसिन हो, बिजली हो, अस्त्र हो, आप केवल नाम लीजिए, हमारे वेदों में सबका ज्ञान वर्णित है। इस सृष्टि का एक सरल नियम है, ज्ञान को अगर हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो फल हमेशा अच्छा ही प्राप्त होगा, परंतु अगर हम ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो फल हमेशा विनाशकारी ही प्राप्त होगा। आज इस भयंकर कलयुग में ठीक वैसा ही हो रहा है। आधुनिक विज्ञान ने संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। वैज्ञानिक बिना परिणाम का जांच किए ही अति विनाशकारी आविष्कार लगातार करते जा रहे हैं। फल स्वरूप आज अंत हमारे सामने हो रहा है। चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या ओजोन लेयर डिप्लीशन, यहां तक कि विनाशकारी तूफान, भूकंप, सुनामी, सब कुछ मानव निर्मित कारणों से ही हो रहा है। इसी परिस्थिति का आभास 600 वर्ष पूर्व 5 महान संत पंच सखाओं को हो चुका था। इसीलिए ग्रंथों की माला भविष्य मालिका में साफ साफ वर्णित किया गया है कि कलयुग के अंत के समय 7 दिन 7 रात अंधकार में हो जाएगा पृथ्वी, ना सूर्य दिखेगा ना ही चंद्र, तापमान सामान्य से बहुत नीचे गिर जाएगा, भूखे प्यासे मनुष्य एक दूसरे पर आक्रमण कर देंगे, तो वहीं जंगली जानवर मनुष्यों पर आक्रमण कर देंगे, टूट कर गिरेंगे सभी सैटेलाइट्स, बंद हो जाएंगे सभी प्रकार के दूर संचार यंत्र, बंद हो जाएगा इंटरनेट, अचल हो जाएंगे सभी बिजली से चलने वाले यंत्र, चारों तरफ केवल योगनियों का चित्कार ही सुनाई देगा, घर के बाहर निकलोगे तो मृत्यु, घर के अंदर रहोगे तो भी मृत्यु। इस विनाश के समय सच्चे भक्त एकांत में एक दिया जलाकर ब्रह्म एकाक्षर का जाप करेंगे, जिसके बल पर नए युग का आरंभ होगा। जो सदस्य भक्ति भाव के साथ प्रत्येक दिन मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको ब्रह्म एकाक्षर का संपूर्ण ज्ञान है। जो टाइम पास करने आते हैं, उनको अंत की शुभकामनाएं। गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है कि ब्रह्म एकाक्षर का ज्ञान
इस सृष्टि में सबसे मूल्यवान ज्ञान है। इसको अपने अंदर छुपा कर रखना, जब सही समय आएगा इसका उचित प्रयोग करना। तर्क वितर्क करने का समय बीत चुका है बंधु, अब समय है परिवर्तन का। इस परिवर्तन को ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत रहिएगा। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।